चैनल क्वांटली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो हम बात कर रहे हैं चाणक्य के बारे में, उनका बर्थ, उनका ओरिजिन, उनका एजुकेशन, उनका डेथ और उनके बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और उनकी जो स्टोरी है बर्थ से लेकर डेथ तक वो कवर कर रहे होंगे। वेट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो यानी क्वांटम लैब पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के उसके बगल वाली जो घंटी है उसको भी दबा देना, जिससे मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बोलोगे क्यों दीदी मैं आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूँ, तो लिसन, इस चैनल पे मैं मोटिवेशन, फैक्ट, नॉलेज, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बहुत अच्छी लग रही है यार, दिल को छू जाए, तो लाइक करके जाइयो। और अगर कोई ऐसा खास दोस्त हो और जो ऐसे कंटेंट देखना चाहता हो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसको यार शेयर कर देना। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। तो चाणक्य का जन्म 350 BC में हुआ था और आपने इनके नेम पता होगा आपको, कौटिल्य और विष्णुगुप्त से नाम इनको जाना जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली इनके दो और नेम भी थे जो मोस्टली लोगों ने पता, जो कि है अंशुल और अंशु। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इनके पिता आचार्य चाणक थे। इनका जन्म जो है पाटलिपुत्र मगध यानी कि पटना बिहार, ठीक है, जो आज की डेट में जानते हैं उसमें हुआ था, ठीक है। और इन मॉडर्न डे इट हैज बीन फाउंडेड कि सोशल पॉलिटिकल प्रोफेशनल लाइफ जो ब्राह्मण के रिफ्लेक्ट जो दिखाई दर्शाई जाती है वो चाणक्य की नीति से लिखा जाती है, ठीक है। और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो चाणक्य थे वो एक साउथ इंडियन ग्रुप ऑफ ब्राह्मण में से एक थे, यानी उनको चौदिया कहा जाता था, तो इसलिए उनको चाणक्य इसलिए कहा गया। और कुछ लोग कहते थे कि वो जो है द्रमिला कास्ट के है या द्रविड़ा कास्ट के है, ठीक है, ऐसे कहते थे। वेल, जो उनका जन्म तो पटना में हुआ था, तो वो एजुकेशन के लिए तक्षशिला चले गए थे, ठीक है। वेल, इसमें एक और बात जान लो कि लोग उसे तक्षशिला कहते हैं, ठीक है, जो कि करप्टेड वर्ड है। मतलब कहने का सेंस ये कि लोगों ने तक्षशिला को, जो कि तक्षशिला है जिसको करेक्ट वर्ड जो है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है, जिसको लोगों ने तक्षशिला कह दिया है, ठीक है। तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है और स्पेलिंग आपको स्क्रीन में दिख रही होगी इसकी बहुत अच्छे से। और इन्होंने पूरी एजुकेशन उनकी हुई तक्षशिला में और उन्होंने वेद सब कुछ वहीं पढ़ लिया था, ठीक है। और जब उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, तो ये होता है कि जो भी स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, जो भी इंटेलेक्चुअल जायंट्स होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के नॉलेज के, वो पाटलिपुत्र में आते रहने के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए तक्षशिला जाते हैं, ठीक है, फिर पाटलिपुत्र आ जाते हैं। तो वैसे ही हुआ कि वो भी आ गए थे, ठीक है। उस समय क्या था, देखिए, एक नंदवंश का राज्य चलता था, उसमें से जो धनानंद था उसका शासन था वो काफ़ी ज़्यादा एवेरिशियस राजा था, और जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स, जब भी वो टैक्स लेता था तो कभी सेटिस्फाइड नहीं था, तो काफ़ी लोगों को टैक्स लेता, हर चीज़ पर टैक्स लेता था, इवन स्टोन पे भी वो टैक्स लिया करता था, वुड पे भी टैक्स लिया करता था। और ये भी कहा जाता है कि कोई जानता नहीं कि धनानंद ने अपना धन कहाँ छुपाया। कुछ लोग कहना है कि उन्होंने अपना जो धन है वो गंगा नदी के शोर पे लगा दिया या कहीं पे उसने दफना दिया, पर लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। धनानंद काफ़ी बेहतर इंसान था और धनानंद एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी उस समय उसने एक ट्रीटी या गिफ्ट की उसने एक कमेटी बनाई हुई थी, मतलब ट्रस्ट बनाया होता है टू एडमिनिस्टर गिफ्ट एंड चैरिटीज, ठीक है। तो इसी में उसने क्या किया था कि ये था कि जितने भी प्रेसिडेंट होंगे, मतलब जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास पावर एक गिफ्ट दे सके, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट बनाने की, जो कि 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, और जो भी उसके अंडर में जो जूनियर होंगे वो बना सकेंगे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। तो उसी समय जब चाणक्य जो थे, जब वो पाटलिपुत्र आए अपनी स्टडी करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस ऑनर्ड थे, तो लोग उनको काफ़ी सम्मान करते थे, ठीक है। और इतने जो भी जीनियस था वो उस वहाँ पे जो भी ट्रस्ट था जिसे संघ कहा गया उसके वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो जो प्रेसिडेंट तो बन गए थे, तो क्या होता था कि जब प्रेसिडेंट था उसको कभी कई ना कई बार ना राजा से मिलना पड़ता था। तो फर्स्ट टाइम जब वो मिले थे राजा से, तो जो जो वहाँ के मतलब जो भी राजा थे, मतलब धनानंद जो राजा थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने चाणक्य को डिसगस्ट किया, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा कि ये बहुत ही अगली है, ऐसा उसने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी, राजा ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी, काफ़ी लज्जित किया। अब भाई चाणक्य यार बहुत इंटेलिजेंट थे, वो भी शार्प, मतलब कि जो भी होता था मुँह पर सीधे बोल देते थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोले तो मतलब सीधे बोल देते, ठीक है।
और उनके ईगो पे आ गए थे भाई। चाणक्य इतने जीनियस इंसान, ठीक है, उनके ईगो पे आ गई थी। तो किंग जो था वो उसको आदत तो थी नहीं कभी ऐसे वर्ड सुनने की, ऐसी चीज़ें उनके खिलाफ कोई चाहे। तो चाणक्य जो पहली बार ऐसा किया उन्होंने, मतलब पहली बार किसी इंसान ने कि वो चाणक्य थे, तो उसने क्या किया, प्रेसिडेंट जो जो भी राजा थे उसने कहा, उसने जो भी कहा कि जो नए प्रेसिडेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल पसंद है, तो उसको हटा दिया प्रेसिडेंट की पोस्ट से, प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया चाणक्य को। चाणक्य काफ़ी गुस्सा हो गया, उसने कहा कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं थी। और उसने कहा कि जो तुम्हारा एरोगेंट है, यानी तुम्हारी पोजीशन ने, चाणक्य ने राजा से कहा कि तुम्हारी पोजीशन ने तुमको एरोगेंट बना दिया है। और उसने ये भी कहा कि तुमने एक प्रेसिडेंटशिप से मुझको हटाया मेरी, जबकि कोई फॉल्ट भी नहीं थी। और उसने काफ़ी सारी ऐसी बातें की, उसने प्रण लिया, जैसे देखा होगा आपने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में कि लोग पानी लेते हैं, मतलब बहुत सारे धार्मिक ये स्पिरिचुअल सीरियल्स में कहोगे पानी लेते हैं मतलब हाथ में, और ऐसे जो भी प्रण ले लेते हैं और वो काफ़ी दस पत्थर की लकड़ी जैसे हो जाए। तो वैसे उन्होंने प्रॉमिस की होती है, मतलब उन्हें प्रण लिया कि वो राजा की पोजिशन से धनानंद को हटा देंगे। तो इसी के लिए तो ठीक है, उस समय ऐसे उन्होंने किया। तो धनानंद यार शांत रहने वाला नहीं था, वो भी काफ़ी एरोगेंट, ठीक है, गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि चाणक्य को अरेस्ट कर दिया जाए। तो चाणक्य थे वो क्या गया, उन्होंने अपनी भेष बदला, सन्यासी और मौन धारण किया और वो भाग गए वहाँ से। और पर वो उसी कैपिटल में, यानी कि जो राज्य था उसी कैपिटल में वो थे, और उन्होंने स्ट्रेटजीज काफ़ी सारी बनाई। धनानंद किंग जो था, धनानंद को उसके सिंहासन हटा के चंद्रगुप्त को बैठा, ठीक है, उन्होंने ये पूरी स्ट्रेटेजी करी। तो इसमें ये था कि जो भी इन्होंने करा, यानी कि इन्होंने धनानंद को हटा के चंद्रगुप्त को उसकी पोजीशन में लेकर आए, तो इसमें इसके बिटवीन काफ़ी बहुत बड़ी स्टोरी, काफ़ी सारी नीतियाँ लगी गई हैं। उन्होंने इससे रिलेटेड यार एक बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र करके, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है, आप ज़रूर पढ़िए। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें, पॉलिटिकल लाइफ बहुत अच्छे से उसमें दे रखी है, इकोनॉमी सब कुछ अच्छे से दे रखा है, और लोग उसे फॉलो भी करते हैं स्टिल अभी भी, ठीक है, और आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। और इसमें पूरी और भी धनानंद से लेके चंद्रगुप्त का शासन आया वो पूरे आपने टीवी सीरियल्स वगैरह कहीं ना कहीं तो आपने देख ली होगी। तो और उसके बारे में आप देखो, देखते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, युद्ध जो भी युद्ध होते रहते हैं जो भी जिस टीवी सीरियल्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। और इनके डेथ रिलेटेड क्या बताया, तो चाणक्य जो थे, जब वो जैन टेक्स्ट कहती है कि चाणक्य जो थे अपने पुराने दिनों में जो भी मतलब जब मर गए थे उनकी डेथ 275 BC में हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि राधा गुप्त करके कोई उनका डिसिपल था, यानी कि उनका कोई शिष्य था, उन्होंने उनको मतलब जब गए थे तो उनके उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। और उसी समय जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हो रहा था, उसमें अशोका का एम्पायर शुरू हुआ, तो ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती रही। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन बैठाने की जो पूरी स्टोरी है, अगर वो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं पूरा उस पर रिलेटेड वीडियो बना दूंगी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने मोस्टली टीवी सीरियल्स में कहीं ना कहीं तो देखी होगी। तो आज का ये वीडियो ऐसे ही समाप्त होते हैं। तो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग।